हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज भाई बहुत ज़्यादा अपना स्पेशल दिन है, आज हमारा है मीटअप फिर से तीसरी बार। आजा बैठ जा, मैं कहा जयपुर में मीटअप है, कितनी पब्लिक आएगी भाई? इस बार आएगी, यूके भाई भी था इस बार गए। और हाँ, साथ में अपने भाई अनुराग भाई हैं, भाई के मीटअप आपने देख रखे होंगे, तो हमारा भी मिक्स हो जाएगा 20,000 प्लस भाई। आज सिस्टम है, पर हमने एक चीज़ ध्यान रखी है, हम कल भी स्टोरी डाल सकते थे पर फिर पूरा जयपुर अलग सिस्टम हो जाता, इसलिए हमने सिर्फ 3 घंटे पहले स्टोरी डाली। सिस्टम तो अभी अलग करना है, मतलब ऐसा करना है कि नॉर्मल रहे सब। नहीं, सब कुछ ऑर्गेनाइज है भाई, प्रशासन से और ऊपर से जो वहाँ पे मैनेजमेंट की टीम है उन सबसे बात हो गई है, बढ़िया करेंगे, बढ़िया। पर समझ रहे हो ना, अपना बढ़िया। और 3 घंटे पहले हमने डाली कि ज़्यादा पब्लिक ना, कभी बहुत दूर दूर से बंदे आते ना फिर मिल नहीं पाते, इसलिए एक दिन पहले नहीं डाला हमने, 3 घंटे पहले डाली। अनुराग भाई ने भी डाल दी स्टोरी में, हमने भी डाल दिया। अब देखा भाई, अभी नाऊंगा रात में, साड़ों ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, सब ने नहीं, एक बंदे ने, कटारिया ने घेरा मेरे ऊपर पानी। आज अभी चलेंगे 5 बजे निकल जाएंगे, आता है मीटअप के लिए। यहाँ से कितनी दूर है? 10 मिनट है भाई। गाइस पूरी प्लानिंग हो गई भाई, रेडी? हाँ रेडी रेडी गाइस, रेडी भाई, टेंशन में रहते हो? रेडी भाई, वास्तव में रेडी। पोर्श पहली बारी लेके आ रहे हो ना, तब पता लगेगा मीटअप में मेरी जीतने से चक्के नहीं भाई। हम कल गाड़ी लेके नहीं जा रहे, पता जा रहा भाई। भाई भाई हरी उतकड़ी लगा के चलते हैं, वो सिद्धू मूसे वाला जी स्टाइल में भाई, यूं जाएंगे भाई। पुलिस तो आई है भाई, सब कुछ है, मैनेजमेंट हो गया, पूरी सिस्टम हैंग कर दें भाई। मैं क्या सोच रहा हूँ, पकड़ इसको, पकड़, मैं बताता हूँ भाई। भाई ने बोला कि हथकड़ी लगा के चलते हैं और वहाँ पे खोलेंगे, वहाँ खोल देंगे भाई, और पुलिस खोलेगी भाई। तो फ्लैक्स देखो ना, अपना मैनेजमेंट राजस्थान पुलिस कर रही है भाई। सुनो मेरी बात, तो फिर पैंथर का भी जुगाड़ कर लो भाई, रॉकेट लॉन्चर, नासा का शिप, उसमें निकल जाए, स्पेसशिप भी आते हैं भाई, यूएफओ ले आते हैं, उसमें ऊपर से उतरते हैं विद एलियंस, और एलियन खोल रहे हैं हथकड़ी हमारी। और क्या क्या करना है? सुनो, वो करते हैं जंप मारते हैं हेलीकॉप्टर से, बड़ा नू ही है, क्या करते हैं हेलीकॉप्टर से आते हैं, गाड़ी से चलेंगे और हथकड़ी भाई, हथकड़ी वाला कर रहे हैं, क्रेजी कर रहे हैं भाई। सुनो भाई, अरे पंगे हो जाएंगे भाई। सुनो भाई, भाई एक वारी हो, अभी गाने के लिए आया था हथकड़ी पहन के, कौन सड़ा भी, वो अरेस्ट नहीं था वहां, हमारे ब्लॉक अरेस्ट तो हम भी नहीं है भाई। सुनो मेरी बात, भाई की बात सही है कि गाड़ी नहीं निकलेगी, तो गाड़ी का पहले अरेंजमेंट कर लेते, पहले गाड़ी का अरेंजमेंट करें फिर हथकड़ी का, गाड़ी में पैर लेंगे अगर सही लगेगा ना। पहले गाड़ी को छोड़ो,15,000-20,000 पागल होगा लगा साढ़ा सुबह सुबह, हाँ ब्याह तो मेरे वही रखा, तीरते तुम्हारे घर पर रहता होगा जिसने ब्याह रखा, आपको तू रही हो यही तो ना जायज औलाद मेरी, और भाई देख लो मेरे लिए ब्याह के लिए कोई ढूंढो भाई, भाई के लिए कोई भी बढ़िया सा बंदा हो ना, बंदा अरे जो लड़की वो करता हो दिखाता हो, भाई को कांटेक्ट करो चित्रांश भाई को, और बंदी दिलाओ भाई को, ठीक है? और कुछ ब्याह की उम्र हो गई, ब्याह ब्याह करना डायरेक्ट, कोई वो नहीं, सीधा सीधा ब्याह, सीधा ब्याह, नो दहेज, 1 रुपए का रिश्ता, बाकी 2 जोड़ा मेरी तरफ से गिफ्ट। इस वाली लोकेशन पे आगे भीड़, एक दो तीन चार, लो भाई आगे, अभी से भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई भाई। अभी आ रहा हूँ 5 बजे, चक्का जाम कर देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लो भाई जय श्री राम के नाम, जय श्री राम, जय श्री राम एलविस भाई।
रेडी हो गया मैं, सारे भाई रेडी हो गए और 5 बज गए करेक्ट, हम निकल रहे हैं, हमें काम कर रहे हैं भाई। फॉर्च्यूनर को रैप तो मेरा फाड़ दिया, अभी दिखाऊंगा मैं क्या क्या फाड़ा भाई। काम करो सुनो, अभी एक्यूरेट 5 बजे नहीं निकलेंगे, 5:15 पे निकलेंगे। क्यों? अरे थोड़ा और भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, ये देख लो ना, वो है शैतानी भाई। 5 बजे पब्लिक को बुलाया था, 5 बजे ही मिलना है ना, समझ रहे हो? तो अभी निकल रहे हैं, और जो अपनी गाड़ी है भाई फॉर्च्यूनर वो कहीं और लोकेशन पे जाएगी, मैं दूसरी गाड़ी में जा रहा हूँ, क्योंकि बंदे भाई फिर चढ़ जाते हैं यार गाड़ी पे, है ना भाई। उसका वैसे ही रैप फटा हुआ, उनको जगह मिल रैप फाड़ दिया भाई उन दोनों ने यार। कोई बात नहीं, सारे भाई रेडी हैं, पुलिस रेडी है, SHO साहब वहाँ पे रोड पे भीड़ हटवा रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, और हम लोग निकलते हैं। आओ जी चले। हाँ जी किधर सर? रेडी जी, मीटअप कलेश भाई, वहाँ पे भीड़ आ चुकी है, चलना चाहिए भाई। GT तो मैं अभी, हाँ जी सर, भाई मस्टैंग GT लेके चल रहे हैं भाई। भाई होटल के बाहर भी भीड़ है, वहाँ भी भीड़ है। ओ भाई होटल के बाहर का देख लो तुम, भाई यहाँ से कैसे निकला जाएगा, वहाँ तो बाद में पहुँचेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक तो कैसे निकला जाएगा? निकल जाएंगे। हाँ जी थैंक यू। क्या यहाँ इतने हैं, तुम वहाँ कितने होंगे भाई? वही मैं सोच रहा हूँ, आ जाओ मीटअप लोकेशन पे, आ रहा हूँ मैं। भाई साहब, भाई अनुराग कहाँ है? मुश्किल निकला जाएगा भाई, मैं मुझे साथ में रखना भाई। भाई यहाँ से कैसे निकला जाएगा सर? काम करने दो लो भाई साहब, मेरे को चलानी पड़ेगी गाड़ी। भाई होटल के बाहर का जो माहौल था ना, बढ़िया माहौल भाई, बहुत गाड़ियाँ, बहुत बाइकें आगे पीछे चल रही है भाई, निकलने नहीं दे रही। अभी लोकेशन पे तो पहुंचे ही नहीं हम, वहाँ पे बंद हो चुका है सब कुछ, लोकेशन पे पुलिस बंद हो गया सब कुछ, बंद रूट बंद कर रहे हैं अपन, जा सकते हैं अंदर भाई। मस्टैंग पीछे है, मस्टैंग पीछे रह गई भाई। मेरे ना किसी ने जब जाओ भीड़ ना पकड़ा, मैं गला घुट जाता, मैं भाई छोड़ दो रे, टी शर्ट पहन लेना मैं ले भाई, मैं गला घोट के मारेंगे मुझे तो। ये भाई यूके भाई सेफ है ना, यूके भाई सेफ है। यूके भाई है खांगे पर, यूके भाई ने गलत गाड़ी चूज कर ली, मीटअप में जाने बुलावा क्यों ने, एक बार और धीरे कराओ भाई, कक्कर कॉल करियो भाई, कॉल निपुन भाई बहन साहब, चलो जब साइड में रुकेंगे ना भाई, जब चेंज करेंगे तब आ जाएगी मस्टैंग। कहते कहां हो तुम, पागल हो क्या? यूके ले भाई, चल बड़ा सिस्टम अब भाई, थोड़ा धीमे लो यार, भाई जयपुर जाम कर दिया भाई बंदों ने, हमने पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है जल्दी कर लो जो करना है भाई। आगे देखो ये आगे बंदे, और क्या कहते हैं यूके भाई, अभी यार रह गया होटल में ही रह गया भाई, यहाँ मुंह ढक्के भाई, इतना क्या भाई रोला जमा दिया भाई। जयपुर के ऑर्डर नहीं है, जयपुर के एमआई रोड बंद हो चुकी है, चलो भाई मेन रोड बंद हो गया, अजमेर रोड, ठीक है भाई वहाँ पे रुक नहीं सकते, ऐसे तूने मना कर दिया, लाठी चार्ज करना पड़ रहा है पुलिस को, हजारों की संख्या में लोग हैं, कम से कम 5-1 हजार आती है। अरे भाई ये तो कैड़ा काम हो गया, सिस्टम समझ रहे हो तुम, सिस्टम वहाँ जाके देगा तुम्हारे, सिद्धू इधर दिखा नहीं, लो जी ठीक है कंट्रोल में, इतनी भीड़ हो गई,
पूरा रोड भर दिया। ठीक है ठीक है भैया, सिस्टम आगे देख दिया भाई, चक्का जाम हो गया। ओए क्या होगा तेरे, अरे फोन कर कटा रिया, फोन एल्विस आ जाएगा ऐसे करना। भाई ऑर्डर्स आए हम पे, हम रुक नहीं पाएंगे वहाँ पे, इतनी भीड़ हो गई, मतलब बहुत भीड़ हो गई वहाँ पे। आईपीएस ऑफिसर खड़ा है, एसएचओ खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, बहुत भीड़ है भाई। ये क्या कर दिया हमने फिर से, फिर से सिस्टम हैंग हो चुका है भाई। जयपुर की ऑर्डर ना हुआ भाई, जयपुर की एक मिनट में पहुंचने वाले लोकेशन पे, मुझे नहीं लगता वहाँ से गुजर भी पाएंगे हम लोग। पूरा आगे रोड जाम कर लो, निकल दो फोन को पकड़ के रखना सामने। वेट कर लो, वेट कर लो, वेट थोड़ी धीरे कर लो, धीरे कर लो भाई। नहीं कर पाऊंगा लक्ष्य भाई, हाथ जोड़ लेता हूँ आपके आगे, पुलिस खड़ी बहुत ज्यादा है। आपको पता है 8-9 हज़ार आदमी है, पूरी रोड बंद है नीचे, देखो अपन उतरने वाले हैं। भाई भाई क्या करा तुमने भाई, ये मतलब हाथ भाई किसी का लग जाएगी यार। भाई कब निकलूं अभी, पूरा रोड आगे जाम हो गया भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान भाई। ये दिख रहा सामने तुम्हें जाम, गाड़ी आई है पुलिस लाइन से, आईपीएस ऑफिसर एसपी सब खड़े हुए हैं, सिस्टम हैंग हो चुका है जयपुर का। अपन ने जो रोड बंद करी है वो जयपुर की मेन रोड है, या अब हाईवे जा रहा है, ये मेन हाईवे आप देख लो, जयपुर का मेन जगह बंद करी है अपन ने, और सिस्टम हैंग हो चुका है आपका। लो भाई चक्का जाम गई थी, चक्का जाम होगा भाई, तो हमको तो पता है जयपुर की जनता प्यार कर रही है। दंगा नियंत्रण आई और क्या करना है, ले भाई दंगा नियंत्रण वहां आ गया। लो जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब बाहर निकल के दिखा दो पीछे का सिस्टम, सब दिखा दिया, सिस्टम दिखा दो एक बार भाई, अभी तो भक्के आ रहा सिस्टम। भाई पांच ऐसे चुकड़े थे, और अनुराग भाई के पास शायद पुलिस के ऑर्डर्स पहुंचे नहीं, भाई रुक गए वहां पे यार। अब वहां पे होगा दंगा, लाठी चार्ज वगैरह होगा, मैं उसी चक्कर में था। मैं कहा एक बार भाई को दोबारा फोन कर बोल दे वहां से प्लीज, नहीं आगे शायद निकल गए वहां से, अभी हटना एक बार मेरे को निकल गए है ना। ये पहले निपुण कह रहा भाई रुक गए अभी यहां पे, मैं कहा भाई रुको ना, इसको नीचे रुक ही नहीं सकते, हाईवे जाम गाइस, ऊपर वाला यहां से दिखाएंगे, यहां से दिखाएंगे, यहां से दिखाएंगे, यहां से ये रहा सिस्टम, हटियो दिखा दे, कर दिए। ओए मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, हैं भाई जयपुर पुलिस भाई बहुत सपोर्ट कर रही है यार, ये देखो ले भाई मजेदार स्पोर्ट्स रमोटी पार्टी भाई, मजा बांध दे भाई। आज तक जब भी आए जयपुर प्यार कम नहीं मिला, ज्यादा ही मिला है, और आज तो बहुत ज्यादा मिलगा। सिस्टम हैंग कर दिया आज अपन ने, सिस्टम हैंग, आइयो बजा।
क्या गाना तुमने तो परफेक्ट जगह परफेक्ट गाना मजबूर अपने आदत होते ये भाई जय श्री राम जय भाई आ गया आमेर का किला लेफ्ट पूरा आमेर का किला ही है क्या यस पूरा ही आमेर का किला अच्छा जयगढ़ और आमेर ये जयगढ़ ये आमेर बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया यार लो जी सुंदर है भाई वो ब्यूटी 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 ये बाहर बाहर निकल के सिस्टम तो दिखा दो बाहर भाई पीछे भाई के बकरी है ये लो देखो आज आज तो अच्छा ईद है आज भीड़ लग रखी है यहाँ पे ईद वाले दिन मीटअप कर दिया हमने पंप है बॉडी और खेल सर क्या रहा फिर उसके बाद आपके कहने पे हम तो रुके ही नहीं आओ तो यार मरवा देते आज तो कैसे मरवाए थे सर हम तो रुके ही नहीं आपने कह दिया हुकुम अरे हुकुम यहाँ अगर रुक जाते ना माहौल बहुत खराब हो जाता तो सर कितनी भीड़ तो बहुत हो गई थी हम तो सोच रहे थे वो हम आप हमारे को उतारते अंदर भेजते ड्यूना के मिल लेते पब्लिक से आपको ये है ना पूरा तो ड्यूना के आगे तो जो बिल्डिंग है ना उसके आगे तो पूरा भरा हुआ था ही भरा पूरी के नीचे उधर दोनों साइड में अपोजिट में बीच में ऊपर और थे तो आपने इतनी पुलिस कैसे बुला ली कितने पुलिस वाले थे पुलिस तो बुलानी पड़ी फिर वो क्या है कि रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रहा था ना तो डंगा नियंत्रण वगैरह बुलाई होगी फिर आपने हाँ कौन कौन था हुकुम ऐसे तो ये सोडला एसीपी साहब और माइक थी जेवरा थी मैं था और एसीपी साहब भी थे तो भोपाल सिंह जी भी थे हाँ 30-40 लोग थे ठीक है सर कोई बात नहीं सर थैंक यू संभाल ली सारी चीज़ें इतनी आती है सर आदमी का डेमो है लेकर क्या कर सकते हैं अपन भी सर ये यूट्यूबर है और सर इसका सिस्टम है ये क्या ऐसे बोलता है हर जगह सिस्टम विस्टम बात करूंगा आपकी उससे पब्लिक का प्यार है सर क्या पिलाते हो लोगों को पता ही नहीं सर क्या हर बार आता हूँ मैं हर बार ऐसे ही प्यार देती है जयपुर की जनता हाँ इसलिए नहीं रुके ज्यादा पब्लिक आ गई वही मैं सोच रहा था कि रुक जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती फिर ज्यादा रुकना तो बिल्कुल ही नहीं था अच्छा कि रुका नहीं है हाँ जी सर थैंक यू सो मच आपने संभाल लिया सब टायर सारे आ गए यहां पे एलवी ड्राइवर चला रहा हमारा सिस्टम हैंग करके आया है 5000 आदमियों के साथ हम बहुत बढ़िया सिस्टम हैंग है जी पूरा बहुत बढ़िया ड्राइवर पर्सनल पियासो मेरा पर्सनल पियासो ये मेरा दूसरा काम है भाई ओए चश्मा ध्यान था भाई ले भाई चला ड्रिफ्ट मारो हीरा साहब ना ड्रिफ्ट नहीं मारना इसमें ब्रेक नहीं है भाई उसकी धड़कन बढ़ रखी है अरे यू टर्न क्यों ना लो आप ना पीछे उसकी धड़कन बढ़ रखी है आदमी की ऐसे नहीं रहा भाई टॉप स्पीड पे चल रहा है रा साहब देखो ड्राइवर मोड़ ले जाता जी करा तेरा छोटे भाई देखो जयपुर की जनता से मेरी राजस्थान की जनता से तुम्हें पता है मेरा सबसे पहला मीटअप भी जयपुर में हुआ था थोड़ा अनऑर्गेनाइज था सबसे पहले बट फिर डीजी फेस्ट में आया था मैं यहाँ पे डीजी फेस्ट में भी पब्लिक ज़्यादा हो गई कितनी सिक्योरिटी ले जाओ वो हो ही नहीं पाता हम लोग होटल से निकले यहाँ से तो यहाँ तो कम भीड़ थी ऑब्वियसली होटल के बाहर वहाँ से यहाँ भी संभल में नहीं आ रही थी पुलिस वाले थे हमारे साथ में पुलिस वालों से भी संभल में नहीं आ रही थी मतलब प्लस जो पर्सनल सिक्योरिटी वो PSO वगैरह होते हैं वो अलग चीज़ है पुलिस से भी नहीं संभली नॉर्मल असली पुलिस होती ना उससे भी नहीं संभली पब्लिक तो डियोना के बाहर प्रॉपर जगह थी जहाँ पे गैदरिंग हो सकती थी पर पता नहीं आप लोगों का प्यार इतना है कि इतनी भीड़ आ जाती है भाई कि दंगा नियंत्रण वाले आने पड़ते हैं आर्मी बुलानी पड़ती है पुलिस को भीड़ मतलब एक तो भीड़ होती है जो कुछ नहीं कह रही शांत है एक होती है भीड़ जो कुछ भी कर सकती है प्लस एक ईद थी कल उसके चक्कर में धारा 144 लग रखी थी प्लस मैं तो भाई यही बोलना चाहता हूँ दिल से सभी लोगों का शुक्रिया वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं और मैं चाहता नहीं यार कि मेरी पब्लिक के साथ कुछ भी हो गलत कि भाई किसी के चोट लगे बाइक वाले बिल्कुल दोहरे के ले रहे थे गाड़ी ऊपर हाईवे पे था जम के टच हो जाता ये हो जाता अगर मैं रुक जाता तो भाई वे तो क्या ही बताऊँ मैं भी तो इंसान हूँ ना मेरे को अपनी जगह मतलब कि अपनी जगह मेरे को रख के देखो कि तुम होते तो तुम क्या करते प्लस मेरे को ऑर्डर्स मिले थे ऊपर से कि भाई यहाँ पे रुक नहीं सकते आप नहीं तो दंगा हो जाएगा मतलब इस टाइप की थी उनकी वर्डिंग्स तो भाई मैं कहा भाई मेरी वजह से क्यों ही किसी शहर में दंगा हो इसके चक्कर में मैं रुक नहीं पाया चाहे कितने ऑर्गेनाइज मीटअप कर लो भाई वो एंट्री और एग्जिट पे ना हो ही जाती है दिक्कत है तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ भाई पब्लिक से जिन जिन जो जो आए और मैं मिल नहीं पाया
मैं कैसे बताऊँ कितने ऑर्गेनाइज कर लो कैसे ही कर लो भाई, मिल ही नहीं पाते। इतनी इतना प्यार आप लोगों को, इतनी इतनी अपनी जनता प्यार देती है राजस्थान की खासकर। बट कोई बात नहीं, इसका भी कुछ इलाज निकालेंगे टाइम टू टाइम। अपना अगली बारी 1000 पुलिस वाले लेके चलेंगे, वो शायद कुछ कर दें। बट कोई दिक्कत नहीं भाई, थैंक यू सो मच जो जो आए और जो जो इतना प्यार करता है भाई, दिल से उतना ही प्यार उतनी रिस्पेक्ट। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई आर्ट और थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो आप लोगों ने मेरे को इतना बनाया, बड़ा बनाया, तो दिल से धन्यवाद। और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।